पिछली बार बारिश आ गई थी, इस बार आंधी आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अभी कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, तो आज आंधी आ रही है, पता नहीं बन पाएगा अभी कि नहीं। मैं आज बना रही हूँ सोया चंक्स की सब्जी। तेजू को ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी फरमाइश पे बन रही है स्पेशल सोया चंक्स की सब्जी। तो मैंने प्याज काट लिए। अभी हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल चढ़ाते हैं। हाँ, तेरी फोटो खींच रही है। हाँ, इसको लग रहा है कि इसकी फोटो खींच रहे हो। मैं ना मसाला और पीस लेती हूँ अभी। अभी मैं लहसुन और लाल मिर्च पीस रही हूँ। तो लाल मिर्च पहले हम थोड़ी सी तीखा खाना खाते थे, पर अब बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। सिलबट्टे पे पीस के बनाते ना तो एक अलग ही फ्लेवर आता है, जो बहुत अच्छा लगता है। ये धनिया भी मैं इसके साथ ही पीस लेती हूँ। सरप्राइज उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। शिवांश इधर आना। किसको उल्लू बनाया? दीदी को। हाँ। क्या उल्लू बनाया? सरप्राइज देने के लिए। अरे दोनों को ही लग रही है, ऐसे मत करो। प्याज के भूनते हैं। अब मैं इसमें ये मसाला डालूंगी। ये जो सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं ना, सारा कमाल इसी का। इससे एक फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा आता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। मसाला भून गया, मैं इसमें टमाटर और डाल देती हूँ। नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी भी अभी डाल देते हैं, मसाले के साथ ही पक जाएगी। ये मौसम पता नहीं बनने भी देगा कि नहीं सब्जी। अब मैं इसको ढक देती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मसाला अच्छे से पक जाए। तेजू ये रख दे, मौसम ख़राब है, अचानक से आंधी आ गई तो एक साथ उठाना पड़ेगा। फिर पहले ही रख लिया जिसका काम हो गया। मसाला पकता है इतने में सोयाबीन जो हमने भिगो रखी है इसको और निचोड़ लेती हूँ टाइट। सोयाबीन डाल दूँ ना अब? सोयाबीन को भी तेल में अच्छे से भून ले।
सोयाबीन अच्छे से भुन चुकी है, साइडों में आपको तेल भी दिख रहा होगा। अब इसमें डाल देते हैं आलू। अब इसको ढक के पकने देते हैं 10 मिनट के लगभग। तेजू ये रख बेटा, रखिए, रख दे इसको, रखिया। शिवांश पानी में हाथ मत डाल। मत भर पानी, इसको लगेगी 10-15 मिनट। क्या करूँ, आटा लगा लूँ क्या इतने? बारिश तो क्या, मिट्टी का डर है, कभी मिट्टी उड़ के आ जाए ना, है ना, रोटी खाई नहीं जाएगी फिर। आज तो सैटरडे, सैटरडे खराब हो गया आज। खराब क्या हो गया? नहीं, रोटी बनाते चूल्हे पे, कल बना ले रहा। बीच बीच में रुकती भी आंधी, बीच बीच में फिर तेज हवा का झोंका आता है। कोई बात नहीं, वैसे भी अंधेरा होने वाला है, कल बना लेना रोटी। अब तो सब्जी बना ले, भूख लग रही है मुझे तो। ना सैटरडे ना संडे से भी ज्यादा पसंद है, वो भी सैटरडे की शाम। अब यू लग रहा है ना, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। संडे को तो फिर भी यू लगता है कि बस छुट्टी, आज संडे खत्म हो जाएगा, कल जाना है। मेरा तो फेवरेट सैटरडे ही है। सैटरडे ना सुबह से ही रहेगा, आज तो लास्ट डे, आज तो लास्ट डे है। वैसे जो काटे वाली लकड़ी है ना, जलती अच्छी है ना। हाँ, आंधी थोड़ी रुकी, मौसम साफ हुआ, टमाटर ले ही आई। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने लगभग 15 मिनट पकाया है। आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आखिर में मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला और इसको अच्छे से मिला देंगे। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है और अभी लाइट थोड़ी कम है, अंधेरा होना शुरू हो गया है। बच्चों तुम्हारी सब्जी डाल दूं? डाल दो सर, चम्मच ज्यादा। दोनों बहन भाई खा लोगे? खा लेंगे। शिवांश तो खा नहीं पाएगा, तेजू तू खिलाना इसको अपने हाथ। यही खिलाएगी इसको? आप भी खा लो। अरे पहले बच्चे खा लो। खा लो पापा। ठीक है बच्चों? हाँ ठीक है। इसकी सब्जी अपनी थोड़ी सी बेटा, और डाल दो, अभी गरम होने से कम डाल लिया। इस वाले में डाल दो, तेरी है ये जल्दी, मैं भी आ जाता हूँ। तेजू ले प्लेट इधर कर बेटा, लो तेजू को दे जाओ ना आप एक बार। तेजू दोनों चीजें भाई खा लो, ठीक है? तब छोटी, तब छोटी, तब छोटी, इतने छोटे से सोयाबीन खा लिया थी। शिवांश आप भी खा लो। दीदी बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।